प्रार्थना करते रहे आपका हाथ ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इतने शॉर्ट नोटिस पर जो आज आपने आकर के अपना सहयोग किया, उनके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इसे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव है। आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामजी भिंडूरी और साथ ही दिल्ली के लोकसभा लोकप्रिय सांसद पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री सूरज तिवारी जी आपको संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राम जी भिंडूरी जी से पत्रकार वार्ता को आरंभ करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय नेता सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री वीरेंद्र पवार जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज मीडिया के सामने झूठ बोला है। उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैं आप सभी को और दिल्ली के समस्त निवासियों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि जब से इस देश में कोरोना की महामारी आई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2020 से दिल्ली के 72 लाख गरीब राशन कार्ड धारियों को हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो चना अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक मुफ्त उपलब्ध कराया। अरविंद केजरीवाल की सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को निर्देश दिया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, ऐसे 60 लाख लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए दिल्ली सरकार के पास आवेदन किया और अरविंद केजरीवाल पिछले 7 सालों में एक गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाया। अब ये जो दूसरी बार कोरोना महामारी आई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल अप्रैल महीने से लेकर दिवाली तक मुफ्त उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार का कोई योगदान नहीं है। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाता है और 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है कि ये राशन केवल दिल्ली में जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसके माध्यम से ही वितरित किया जा सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी की ओर से जो ये राशन भेजा जा रहा है, दिल्ली के 72 लाख गरीब राशन कार्ड धारियों को हर महीने समय पर उपलब्ध हो रहा है।
अरविंद केजरीवाल की सरकार को कहा कि दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध कराए। 60 लाख लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले सवा साल में केवल 12 लाख लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा पाई है, वह भी केवल एक महीने के लिए। और मोदी जी की सरकार जो है वो दिल्ली के गरीब राशन कार्ड धारियों के लिए पहले 8 महीने के लिए राशन उपलब्ध कराया था और अब अप्रैल से लेकर दिवाली तक उपलब्ध करा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। उन्होंने अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला, उनको हाईकोर्ट ने भी उनको डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मोदी जी ने जो पूरे देश में वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो योजना शुरू की है उसको दिल्ली में नवंबर महीने तक लागू किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में झूठ बोला कि हमने दिल्ली में वन नेशन वन रेशन कार्ड की योजना शुरू कर दी है, केवल केवल उन्होंने सीमापुरी के एक सर्कल में शुरू की है, पूरी दिल्ली में वो योजना शुरू नहीं की है। अगर वह योजना शुरू हो जाएगी तो दिल्ली में जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अन्य प्रदेशों से दिल्ली में आए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मोदी जी के द्वारा जो मुफ्त राशन भेजा जा रहा है वह मिलना शुरू हो जाएगा। उस योजना को भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं किया है और कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं आज पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली से कि आप क्या दिल्ली में एक भी व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगा पाए? नहीं लगा पाए। दिल्ली के सभी लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है मोदी जी की सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। मोदी जी की सरकार ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, आप उसको अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पाए। मोदी जी की सरकार ने दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई, आप उसको मरीजों तक नहीं पहुंचा पाए। और दिल्ली के लिए मोदी जी की सरकार ने जो दो तीन और योजनाएं शुरू की, जो जनहित में जो योजना शुरू की, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक मोदी जी की सरकार उनका मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था करती है, उस योजना को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, यदि किसी व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो मोदी जी की सरकार की ओर से लगभग 4 लाख रुपया गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, उस योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और मोदी जी की सरकार ने देश भर के किसानों के हित में, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो अनेक योजनाएं बनाई, उनमें से एक भी योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि झगड़ा आप कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी दिल्ली के नहीं, देश के गरीब लोगों को जो आज मुश्किल में है, संकट में है, उनको मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। मोदी जी जो महिलाएं हैं जिनके जनधन खाते हैं उनके खाते में 500 रुपए डाल रहे हैं। मोदी जी देश के किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2-2 हजार रुपया डाल रहे हैं। मोदी जी तो इस देश के गरीब लोगों को कदम कदम पर उनकी सहायता कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, बताओ कि आपने दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दिल्ली के उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं, जिनकी संख्या 60 लाख है, उनको अभी तक आपने
इसका जवाब दीजिए। और अंत में मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के गरीबों को 10 किलो राशन हर महीने मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त उपलब्ध होगा, और दिवाली के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल दिया जाता है वह भी निरंतर गरीबों को मिलता रहेगा। इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल झूठे बयान देकर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम न करें, यही आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देना चाहते हैं। और मैं चुनौती देता हूं उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, उनके चीफ मिनिस्टर को, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, वो जहां चाहे जिस मंच पर चाहे जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिस चैनल पर जहां चाहे जिस मुद्दे पर चाहे वो बहस करने के लिए तैयार हो जाए, हम उनके साथ चर्चा करेंगे, दिल्ली के लोग सुन सकेंगे कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आज मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, अगर वो अपनी मां की सच्ची औलाद है तो वो मेरी चुनौती को स्वीकार करें, ये मैं आज उनसे मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद गुरु जी। आप मैं अनुरोध करूंगा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी से अनुरोध जी का अपनी बात रखें। श्री मनोज तिवारी जी, धन्यवाद। रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? धन्यवाद वीरेंद्र ग्रोवर जी। दोस्तों, जो बातें अभी दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने कही है उसमें उनका गुस्सा भी जायज है। उनका दिल्ली के जनता के प्रति हो रहा अन्याय को देखने के बाद जो उनकी चिंता है उनकी, वो सब जायज है। और दिल्ली सरकार ये झूठ के किस सीमा तक पहुंचेगी कि अब दिल्ली के लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। देश में जो कानून है वो देश के हर राज्य में लागू होता है, और जो राशन दिया जाता है उसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और इस कानून के तहत केंद्र सरकार 25 रुपया 28 रुपया किलो मिलने वाला चावल 3 रुपया में, 3 रुपया किलो के हिसाब से, और ऐसे ही करीब 26 रुपया 28 रुपया किलो मिलने वाला गेहूं मात्र 2 रुपया किलो के हिसाब से देती है। अब सीधा सा बात है कि जब केंद्र सरकार कोई चीज दे रही है उसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरण है तो उसमें तो जो दे रहा है खाद्य सामग्री दे रहा है वो पूछेगा ना कि ये कैसे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचेगा। और उसके लिए पूरे देश में एक सिस्टम है, उसी को पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। हर राज्य उसको करता है, लेकिन एक ही राज्य को समस्या है, वो है दिल्ली। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने समय समय पर इस पीडीएस सिस्टम को सुधारने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जैसे एक ई पोस मशीन आया, पता चलता था कि किसी को पूरा राशन नहीं मिला, किसी का राशन कोई खा गया, किसी का राशन खराब था, तो ई पोस मशीन आया है जिसमें आधार कार्ड के दिखाने के बाद अंगूठा लगाने पर उसी व्यक्ति को राशन मिलेगा, दूसरा नहीं ले सकता। और यहां तक कि वन नेशन वन राशन का भी इसमें पूर्ति होती है। देश के किसी कोने में आप जाइए, ई पोस मशीन में आधार कार्ड के साथ अपना अंगूठा लगाइए और आपको आपका राशन मिल जाएगा, और दूसरा देश में कहीं भी आपके नाम पे राशन नहीं ले सकता। इसको पूरे देश ने लागू कर दिया है, दिल्ली ने नहीं लागू किया। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया जी ने
लगातार प्रेस कर करके अपनी असफलता को दूसरे पे मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रणदीप सिंह जी को तो निश्चित रूप से दिल्ली की चिंता है, तो उनको परेशानी होगी, बीजेपी को परेशानी होगी। लेकिन मैं ये झूठे शब्द भी अब इनके लिए छोटा पड़ गया, अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लिए झूठा शब्द भी अब बहुत छोटा पड़ गया। इसलिए जो राशन दे रहा है वो ये तो पूछेगा ना कि आप भाई हमारे राशन में इतना फेरबदल करके बिना किसी नियम कानून के, बिना कोई सिस्टम बनाए, बिना कोई सिस्टम बताए, आप पे कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि आपने कहा था कि 4 साल में यमुना जी का पानी साफ हो जाएगा, हो गया। आपने कहा था कि हम इम्पोस्ट लगाएंगे मशीन, 4 महीने लगाए, 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ा गया, तो आपने इम्पोस्ट मशीन ही बंद कर दिया, कैसे विश्वास करें? आपने कहा था, आप ही ने कहा था ना, हम पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई लगाएंगे, कैसे विश्वास करें? लगा। अरविंद केजरीवाल जी आप हो न, आम आदमी पार्टी तुम ही हो न, जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वर्ल्ड क्लास, और कोरोना में वो मोहल्ला क्लास भी नहीं मिला, अब वो लूट क्लास बन गया है। तो आप पर कैसे विश्वास करें? कितनी बड़ी व्यवस्था जहां पर केंद्र सरकार गरीबों को राशन दे रही है, भोजन दे रही है, और यहां तक कि वो 2 रुपया 3 रुपया भी हटा करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। आप लोगों ने ये भी कहा था अरविंद केजरीवाल किस मुंह से बोलते हो और किधर से निकाल देते हो, आपको समझ नहीं आया। आपने बोला था हम 44 प्लांट लगाएंगे, कितना दिन में लगा? 1 महीना में 44 प्लांट लग जाएगा ऑक्सीजन का, और जब संकट आया तो ऑक्सीजन के बिना दिल्ली बनती है। कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? आपके चेहरे पे अविश्वास का पूरा चकत्ता लग गया है अरविंद केजरीवाल। और ऐसे में जब आपसे पूछा जाता है कि भैया आपको डोर स्टेप करनी है, करो। मैं दिल्ली का एफसीआई का चेयरमैन हूं, कंसल्टेटिव कमेटी का, और मैंने बार बार उनको दिल्ली सरकार को बोल रहा हूं कि अगर आपको केंद्र की जो पीडीएस सिस्टम है उसको छोड़ दो, जैसे जा रहा है उसको चलने दो, इम्पोस्ट मशीन लगा दो, और फिर भी आपको जो करीब 60 लाख लोग दिल्ली के गरीब जो बिना राशन कार्ड के इंतजार कर रहे हैं, उनको आप डोर स्टेप दो। आप एफसीआई से बोलो कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, हम रेडी है देने के लिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम विद्वान मीडिया से, हम यहाँ बैठे हुए साथियों से जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी आप बोलो आपको डोर स्टेप के लिए कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, हम देने को तैयार है। हमारे भोजपुरी में कहावत होता है अंतर आता अंतर घी सावर सावर सावर। तो ये समझ में नहीं आ रहा है भैया कि तुम्हें डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, चलो खरीदो भेजो, जैसे मन करना वैसे करो, आपके पास 5 साल का अधिकार है, अब करो। लेकिन किसी और के भेजे हुए राशन को आप गरीबों तक भेजने नहीं देना चाहते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर कोई अस्थायी पता तो होगा तो कैसे आपको दोगे, तो खरे बहाना है। अगर पूछा जा रहा है कि आप पैकिंग करके अगर किसी को सामान भिजवाओगे जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं उसका सिस्टम है, तो आप बोल रहे हैं बहाना है। अरे भाई पैकिंग करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, तो घोषित करो कि हम इसके बाद भी सब कुछ फ्री में देंगे, उसका भी रेट क्या रखोगे? अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, आज डोर स्टेप डिलीवरी कल से थोड़ी कहे हो, मैं 5 साल से डोर स्टेप डिलीवरी सुन रहा हूं, हर साल डोर स्टेप डिलीवरी। आज जब करते नहीं हो तो फोड़ देते हो मोदी जी पे। ये तो बहुत दिल्ली के लोगों के साथ ये जो धोखा है ना, अरविंद केजरीवाल जी और आपकी मनीष सिसोदिया जी, ये लोग तो खैर मोहरे है, ये जो है दिल्ली के लोगों के साथ ऐसा अन्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी परमिशन नहीं दे सकते। अगर आपको डोर स्टेप डिलीवरी करना है तो आप एफसीआई से संपर्क करिए, आपको जितना चावल गेहूं चाहिए जो पूरे देश में सबसे न्यूनतम स्तर पे जाता है वो हम देने को तैयार है।
अविश्वास हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल, अब चिल्लाने से क्या होगा, अब आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। यहाँ दिल्ली जैसा हमारे रामवीर भाई ने कहा, हम जब कल घूम रहे हर जगह तो भी यहाँ देख रहे हैं कि 11 लाख इनको दिया गया है डोज और एक दिन में किसी दिन 76,000, जबकि ये 4-5 दिन में दूसरा डोज आ जाएगा और तीसरा डोज आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। अब इनको इतना शर्म लग रहा है कि हम कैसे, मोदी जी सब फ्री कर दिया हम कैसे दे दें। अरे मोदी जी जो दे रहे हैं उसको ठीक ढंग से लगवा के थोड़ा पुण्य कमाओ, बहुत पाप पड़ गया आपके सर पे। सो मैं कंक्लूड करते हुए मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल, आप लोग दिल्ली की जनता के साथ और धोखा मत करो, जो कह रहे हो वो करो, नहीं कर सकते तो झूठ बोलो।